नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर का मेडिजॉन प्राइवेट अस्पताल बना 108 एम्बुलेंस चालकों की दलाली का अड्डा, जहां हर एक दिन नए मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। ये मामले जो जानकर हैं तो शिकायत कर देते हैं, जिनको जानकारी नहीं वो इनकी मिलीभगत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही एक मामला खुशी नाम पिता शिवचरण डिंडोरी से आया है, जहां विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे, मगर डॉक्टरों ने विक्टोरिया हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस चालक और मेडिजॉन अस्पताल की मिलीभगत का शिकार हो गया। इन घटना की शिकायत जब हमारे मीडिया संवाददाता को मिली तो इस विषय पर जानकारी लेने जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडीएम से बात करने पर उचित कार्रवाई पर मामले को लेकर जांच करने की बात कही गई। अच्छा, देखने वाली बात है कि ऐसे ही मामले पहले कई बार मेडिजॉन हॉस्पिटल में हो चुके हैं, जहां प्राइवेट और 108 एम्बुलेंस अस्पतालों की लूट चरम पर है। केवल आम आदमी शिकार हो रहा है, बात यह है कि मामले उजागर होते हैं, समितियां गठित की जाती हैं, कलेक्टर जिला स्वास्थ्य अधिकारी सबकी नजर में यह बात होती है, पर कहां खो जाती है फाइलें, कहां दब जाती है, और प्राइवेट अस्पतालों का यह कारनामा आए दिन उजागर होता रहता है। आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई? मतलब सरकारी मेडिकल के लिए लिखा था मेडिजॉन ले आए आप एम्बुलेंस वाला, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे तो पैसे भी थे एम्बुलेंस वाले को आपने? 5,000। और कितना बिल बना यहाँ आपका? अभी बिल अभी बताएंगे बाद में। भाई फिर भी कितना पैसा लग गया होगा? हमारा भी नहीं लगा, अभी 12,000-13,000 रुपये लग गया हमारा। 50,000 रुपये ने बोला था 50,000 लगेगा, फिर बाद में मिल जाएगा तुम्हारा पैसा। अच्छा, इस तरह की कोई भी शिकायत? एक बार पिछली बार एक शिकायत हुई थी, तो जिसमें जो है कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा ये जांच कराई थी, जिले स्तर पे एक समिति गठित थे, समिति जो है जांच करती है, और जांच के उपरांत अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर, एक और मामला आया है लगातार, जो कि सतना की पूजा अस्पताल से रेफर होके आया था पेशेंट को, सर उनसे एक्सीडेंट क्लेम के नाम पे सर 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं मेडिजॉन के हॉस्पिटल संचालक। अभी आपने ही ये बात हमको बताई है, तो इसके संदर्भ में अभी हमने CMHO से बात करी है, वो जो है जांच करके जो जो विधिवत रिपोर्ट बना के देंगे, तो जिले स्तर से जो समिति गठित है समिति निर्णय लेगी, उसके उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पुराने मामले भी लगातार समिति ने अभी एक भी स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की है। अभी समिति सभी को बुलाकर उनके साक्ष्य बयान किए जा रहे हैं, साक्ष्य बयान पूर्ण होने के बाद ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एम्बुलेंस चालक का जो मामला है विक्टोरिया मेडिकल, आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है, इनकी गुंडागर्दी, इनकी एक अलग गुट बन गए हैं, जिनसे जो है आम नागरिक परेशान हो। अभी जो भी शिकायत मिलती है शिकायत के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और सर, प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को भी देखा जाए तो वो लगातार कमीशनखोरी के चक्कर में किसी भी हॉस्पिटल में जो कमीशन को लेन देन के चक्कर में उनको भर्ती करा दिया जाता जैसे है। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि शिकायत प्राप्त होने पे ही कार्रवाई होती है, और अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी विधिवत जाँच होती है, और जाँच के उपरांत ही कार्रवाई की जाती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।